Chef, what you should. पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। अगर अरविंद केजरीवाल पहले ही गांधी जी के रास्तों पे चल गए होते तो आज जेल का रास्ता नहीं खुलता, वो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हनुमान जी के चरित्र से कभी अरविंद केजरीवाल जी सीख लिए होते ना तो आज उनको इतना बेइज्जत होके। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलन हैं और दिल्ली के दिल से भी और दिल्ली के नजर से भी गिर चुके हैं। दिल्ली का विलेन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया, जिन्होंने टूटी गलियों से बजबजाते नालों से दिल्ली का जीना दूभर कर दिया, वो दिल्ली का विलेन आज जब जेल में थे, जेल से आए मोहलत पे, वापस दिल्ली की जनता कट्टर करप्ट कहते हुए जब नकार के भेज रही है, तो गांधी जी के समाधि पे जाकर के अपने उस पाप का अंश पता नहीं क्यों उस पवित्र धरती पे ले जाना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पहले ही गांधी जी के रास्तों पे चल गए होते तो आज जेल का रास्ता नहीं खुलता, वो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हनुमान जी के चरित्र से कभी अरविंद केजरीवाल जी सीख लिए होते ना तो आज उनको इतना बेइज्जत होके। आप देखिए, उन्होंने पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इतने टाइम घर से निकलूंगा, कोई घर नहीं आया। तो सोचे होंगे चलो हनुमान जी के मंदिर, चलो हनुमान जी के मंदिर पर तो कुछ लोग होंगे ही, शायद भेंट हो जाए। मैं समझता हूं इतनी बेशर्मी। और इसके बाद भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, मेरे परिवार की चिंता करना। अरे दिल्ली भी एक परिवार है जिसने आपको अरविंद केजरीवाल जी वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया था। आपका डिपार्टमेंट है पानी, आपका डिपार्टमेंट है इसमें सीवर को ठीक करना, आपका डिपार्टमेंट है बुजुर्गों को पेंशन देना, आपका डिपार्टमेंट है राशन कार्ड देना। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। ऐसे में एक विलेन घूम रहा है, जेल में जा रहा है, अपने किए की सजा पा रहा है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर वो ये कहते हैं कि बड़े हैं और मैं दिल्ली की जनता के लिए जेल जा रहा हूँ, आप बाहर खुश रहेंगे तो मैं अंदर खुश रहूंगा। अरे कौन आजादी के लड़े लड़के जेल जा रहे हैं? लूटा है, शराब घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके लिए जेल में है। और कोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिल सकती, एक जैसे पेरोल मिलता है ना, इस तरह से भेजा गया था। तो अरविंद केजरीवाल अब इस दिल्ली के विलेन हैं और दिल्ली के दिल से भी और दिल्ली के नजर से भी गिर चुके हैं। आज मैंने राहुल गांधी को इतना गुस्से में देखा कि ऐसा लगा जैसे वो मीडिया से आज मारामारी करेंगे। वो एक बार आए मीडिया से कुछ बोले, फिर चले गए, फिर अचानक पलट के आए, आंखों में ऐसा गुस्सा, ऐसे लगता था कि यहीं सारा कुछ निकाल देंगे अपना फ्रस्ट्रेशन। व्हाई आर यू सो मच फ्रस्ट्रेटेड राहुल जी? अरे एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वहीं पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है, पूछताछ करता है। एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन ऐसा लगा कि आके बस हाथ छोड़ेंगे, सिक्योरिटी वाले ऐसे करके ले चले, अरे साहब छोड़ दो, ज़्यादा नाराज नहीं होता, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। कमाल है ये फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी का। ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी जिंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद होगी।